नमस्कार, मैं नीलम सिंह स्वास्थ्य जाना चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल सैंडविच। इस लॉकडाउन में बनाए हेल्दी और सुपाच्य फूड वेजिटेबल सैंडविच, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हम 4 ब्रेड लिए हैं और कुछ वेजिटेबल लिए हैं। तो एक प्याज लिए हैं, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और एक टमाटर लिए हैं, इसका हम बीज निकाल के इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं, और ये शिमला मिर्च है, ये भी एक है, तो इसका भी बीज हम निकाल दिए हैं और चॉप करके काट लिए हैं, और ये गाजर है, ये भी एक गाजर है, इसे भी हम चॉप कर लिए हैं, और ये स्वाद अनुसार नमक है, और ब्लैक पेपर लेंगे, और एक टेबल स्पून सॉल्ट है। हम 1/2 लीटर दूध लिए हैं और इसका हम होममेड दही बना लिए हैं, और इसे हम 4 घंटे के लिए छन्नी में रख दिए थे, तो देखिए इसका पानी नीचे निकल गया है। पानी को हम हटा देंगे और इस दही का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के किनारों को हम निकाल देंगे। सभी ब्रेड को हम इसी तरह से निकाल देंगे। हम सभी ब्रेड के किनारों को निकाल दिए हैं इस तरह से। अब हम दही लेंगे और इसे एक बाउल में डाल देंगे। दही में हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे और सौंठ को डाल देंगे और ब्लैक पेपर को डाल देंगे, और सबको डाल के इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। इसमें अब हम वेजिटेबल को डाल देंगे। तो ये टमाटर है और ये गाजर है, और प्याज लेंगे, और शिमला मिर्च लेंगे, और सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे वेजिटेबल को हम अच्छी तरह से दही में मिक्स कर दिए। अब हम ब्रेड को लेंगे और इस पे हम ये जो मिक्सचर है दही का, इस पे हम लगा देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे हम लगा देंगे। ब्रेड पे हम अच्छी तरह से मिश्रण को लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर से एक ब्रेड को रख देंगे और सारे ब्रेड को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। सारे ब्रेड को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें कट लगा देंगे। हमारा वेजिटेबल सैंडविच बनके तैयार है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे
अंदर में तो बहुत सारा नमक डाला हुआ है, और थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। वेजिटेबल सैंडविच में हम बटर या चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम गैस पे नहीं पकाते हैं। हमारा वेजिटेबल सैंडविच बनके तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो रोज रोज बच्चों की कुछ न कुछ डिमांड रहती है। आप इस आसान सी रेसिपी को बनाकर खिला सकते हैं, और जो लोग डाइट पे है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छा फूड है। तो आप भी इसे बनाएं और मेरे रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।